unit 2. humour. reading b. excuses, excuses, and excuses. late again, bacon -Sop. what's the excuse this time? not my fault, sir. whose fault is it then? grandma's, sir. grandma's? what did she do? she died, sir. died? she's seriously dead, all right, sir. That makes four grandmothers this term, Bickensop. All on PE days. I know. It's very upsetting, sir. How many grandmas have you got, Bickensop? None, sir. You said you had four. All dead, sir. And what about yesterday, Bickensop? What about yesterday, sir? You were absent yesterday. That was the dentist, sir. The dentist died? No, sir. My teeth, sir. You missed the maths test, Bickensop. I had been looking forward to it, sir. Right. Line up for PE. Can't, sir. There is no such word as can't, Bickensop. No kit, sir. Where is it? Home, sir. What is it doing at home? Not ironed, sir. Couldn't you iron it? Can't, sir. Why not? Bad hand, sir. हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग सब सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में चलिए टूडे आई एम हियर टू प्रेजेंट अ पोम ऑफ क्लास टेंथ फ्रॉम योर बुक फ्लाइट इंग्लिश रीडर एंड द पोम नेम इज एक्सक्यूजेज एक्सक्यूज एक्सक्यूजेस क्या होता है कोई भी रीज़न देकर के हम जो बहाने बनाते हैं ना सो दिस इज द पोएम अबाउट बहाने बहाने एंड बहाने एंड लॉट्स ऑफ बहाने सो एक्सक्यूज 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 नाउ दिस पोम इज रिटन बाई गैरेट ओन गैरेट ओन इज अ अवलिस्ट पोएट एंड ब्रॉडकास्टर ही इज ऑल्सो पर्टिकुलरली नोटेड एज a prize winning writer of poetry for children he lives in england and writes poem for both children and adults he born on 1936 and died on 2002 okay now coming to the poem so this is a kind of humorous Poem and humorous uh, discussion or communication between two people, right? First one is student, and the second one is the uh, teacher, right? Okay, here the teacher is asking about three things to the student that first one, why he is late or for being late. Second, he asks about why he is not attending classes for test. Okay, or third one is why he cannot participate in a physical education class. So these are the three questions asked by the poet in this poem. Okay, this is a humorous poem, and I hope that this poem relate. टू योर लाइफ ऑल्सो बिकॉज ये जो इन्वायरमेंट देगी ना वो आपकी क्लास का इन्वायरमेंट होगा क्योंकि हर किसी के क्लास में एक ना एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जिसके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं हर कोई क्वेश्चन के लिए हर एक बहाना होता है आप स्कूल क्यों नहीं आएँ उसके लिए एक बहाना आप लेट क्यों आते हैं उसके लिए बहाना आपके लिए कॉपी कंप्लीट क्यों नहीं है इसके लिए बहाना आप पेंसिल क्यों नहीं लाए आपके लिए उसके लिए उनके पास एक बहाना सो दिस इज़ ओरिजिनल कंटेंट राइट ये आपका डे टू डे लाइफ का कंटेंट है जो आप फील करते हैं जो आप देखते हैं समझते हैं और आज यही कंटेंट आपको पोम के रूप में मिली है एंड दिस पोम इज रिटन स्टार्ट द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गिवन और रिटन इन दिस पोम फर्स्ट वी विल डिस्कस एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पोम लाइन बाय लाइन सो दैट आपको सुनने में भी मज़ा आएगा और एक्चुअली इस हर लाइन में किस तरीके का ह्यूमर एड ऑन किया गया है वो आप अच्छे समझेंगे सो so,

द थिंग इज ऑफन हैपन्स राइट यहाँ पे जो बच्चा है लर्नर लेकिन स्टॉप ये क्या है ये हमेशा ले लेट होता है राइट द लर्नर हु इज़ ऑलवेज लेट राइट तो लेट अगेन का मतलब होता है दिस थिंग always happens yeah often happens second line says what's the excuse this time now teacher is asking ki ab is samay kya excuse hai? and the humorous thing is that ki teacher wants to know that it won't be true and he is knowing that it is not true what he will say और वाट काइंड ऑफ एक्सक्यूज विल गिव इट इज़ एट ऑल फॉल्स वो झूठी बोलेगा कभी सही नहीं बोलेगा तो वाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम अगेन द टीचर इज आस्किंग एंड ह्यूमर चीज़ में क्या है कि टीचर नोज दैट कि इट वॉन्ट बी ट्रू जो भी वो रीज़न बताएगा वो सच नहीं है अगेन नॉट माई फॉल्ट सर यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कहता है सर दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट मतलब जो लर्नर है वो एम्फोसाइज कर रहा है कि डैट ही रियली इज एंड एट हिज फॉल्ट और ये उसका मिस्टेक नहीं है कहीं से भी उसकी कोई गलती नहीं है कि वो लेट है सो अगेन टीचर्स हुज फॉल्ट इज इट दैन किसकी गलती है बताइए यहाँ पे टीचर इज़ प्लेइंग अलोंग बट नॉट एक्सपेक्टिंग मच यहाँ पे टीचर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं से सच्चाई उनसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो आशा नहीं करते कि दिस टाइम ऑल्सो द स्टूडेंट विल से करेक्ट थिंग्स ऑल द से और ही से राइट थिंग्स राइट इन द नेक्स्ट लाइन अगैन जो स्टूडेंट है वो कहता है ग्रैंड मास्टर अगेन उसने क्या दिया एक रीज़न ग्रैंड मा मतलब कि जो लर्नर है या स्टूडेंट है वो सजेस्ट कर रहा है कि मेरी जो ग्रैंड माँ है वो उसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुजुर्ग लोगों पर कोई गुस्सा नहीं होता तो इसलिए वो कह रहा है कि मेरी जो ग्रैंड माँ है उनकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ अब सर के पास कोई रीजन नहीं हो क्योंकि घर में बड़े बूढ़ों की वजह से अगर कोई लेट हो भी जाता है सो इट्स ओके राइट नाउ इन नेक्स्ट लाइन ग्रैंड माँ वॉट डिड शी डू सर पूछते हैं ग्रैंड मतलब इतना ह्यूमरसली पूछते हैं और सरप्राइजिंगली पूछते हैं ग्रैंड माँ उन्होंने क्या किया यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है दैट शोज दैट टीचर वांट्स टू हियर द रीज़न कि वो चाहते हैं कि वो उस रीज़न को फाइंड आउट करें कि व्हाट इज़ द रीज़न कि ग्रैंड माँ ने क्या किया शी डाइड सर यहाँ पे स्टूडेंट कहता है कि वो तो मर गई सर इट इज़ एन सीरियस एक्सक्यूज है ना कि सर वो मर गई इसलिए मैं लेट हो गया क्या ये अच्छा लग रहा है सुनने में स्टेल यहाँ पे आगे देखते हैं कि पोएम में क्या होता है पोम में फिर से जो है वो टीचर कहते हैं डाइट मतलब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और शॉकड है वो सारक में सारकजम में मतलब व्यंग के रूप में वो बहुत शॉक्ड हैं कि डाइड शी सीरियसली डेड क्या सच में वो मर गई है ऑल राइट सर यहाँ पे शी सीरियसली डाइड मतलब वो उस सिचुएशन पर जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है वो बच्चा है वो कह रहा है कि सर कि ये सच कह रहा हूँ मैं आई एम नॉट लाइंग एट ऑल सर प्लीज़ प्लीज़ जो ट्रस्ट ऑन मी सर वो हमेशा ये कह रहा है कि सर प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट कीजिए आई एम नॉट एट ऑल लाइन राइट आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में क्या है जो टेंथ लाइन है और जो नेक्स्ट लाइन है वो कहती है कि दैट मेक्स फोर ग्रैंड मदर्स दिस टर्म वो कहती हैं कि इस बार जो है अभी तक तुमने जितनी बार भी एक्सक्यूज दिए हैं कि तुम्हारी चौथी ग्रैंड मदर है और इस पूरे टर्म में तुमने अपनी चार ग्रैंड मदर को बताया है और इट मीन्स कि द टीचर इज नॉट रेडी टू रिलाई ऑन द स्टूडेंट मतलब वो उस पर भरोसा या विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि किसी भी बच्चे की चार ग्रैंड मदर हो? देखो बच्चों दो तो हो सकती है एक नानी और एक दादी तो दादी को हम क्या बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर और नानी को हम क्या बोलते हैं मैटर्नल ग्रैंड मदर तो दो हो सकती है लेकिन चार चार दादी तो इस पूरे टर्म में शायद उस बच्चे ने अपनी चार ग्रैंड मदर्स को डाइड बताया ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग स्टेट है और सर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी है और कन्फ्यूजिंग भी है। देखते हैं आगे क्या होता है ठीक है अगेन बेगिन शॉप कहता है कि एंड ऑल ऑन पी डेज और सबसे बड़ी बात ब्लेंगिन शॉप को सर कहते हैं कि ब्लिंकिंग शॉप अभी तक एक कैसा कॉन्फिडेंस हो सकता है कि पूरे टर्म में तुमने चार ग्रैंड मास् के बारे में डिस्कस किया है या उनके बारे में हमें बताया है और चार बार उनकी डेथ के बारे में बताया है। ये कैसा कॉन्फिडेंस है बताइए मुझे और दूसरी चीज़ हर बार जो तुम्हारी ग्रैंड माँ है वो हमेशा पी डेज में मतलब फिजिकल एजुकेशन के दिन मतलब जब भी पी पीरियड होता है स्पोर्ट्स पीरियड होता है या फिजिकल एजुकेशन का टाइम होता है तभी तुम्हारे में जाती है इट इज अकॉर्डिंग टू पोएट दैट दिस इज अ वेरी कन्वीनिएंट दैट दे ऑल पास्ट अवे ऑन दीस डेज मतलब टीचर उनको एक ह्यूमर वे में ह्यूमरस वे में कहना चाहते हैं कि बहुत इजी है अब जो एक्सक्यूज मुझे दे रहे हैं कि वो सा, वही दिन जब आपको नहीं आना रहता है तभी आपकी ग्रैंडमा क्या करती हैं डेथ कर जाती है इट इज अ वेरी कन्वीनिएंट एक्सक्यूज टू tell me right ki on the same day your grandmother passed away right okay in the next line again आई नो इट्स वेरी अप्सीटिंग सर यहाँ पे स्टूडेंट कहता है कि आई नो सर तो आई नो सर मतलब यहाँ पे वो टिपिकल लायर की तरह बिहेव कर रहा है मतलब अपने झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ और साथ ही साथ अपने झूठ को इतनी अच्छी तरीके से वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है विथ फुल गेस्टर्स पॉस्चर्स एक्सप्रेशंस वो बहुत अच्छी तरीके से अपने झूठ को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है वेरी अप्सीटिंग सर वो आगे कहता है और वो साउंड करने की कोशिश करता है कि वो कन्विंस कर रहा है इज ट्राइंग टू साउंड कन्विंसिंग वो बहुत कोशिश करता है कि सर को कन्विंस कर ले कि नहीं भाई इस पूरे टर्म्स में वो चार बार एबसेंट हुआ है ड्यूरिंग पी मतलब फिजिकल एजुकेशन के समय और जो रीज़न बता रहा है दैट कि फोर टाइम्स की ग्रैंड माँ है वो डेथ हो गई है उनकी या शी पास्ट अवे वो एक्चुअल रीज़न है एंड ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिस्स टीचर आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइम में क्या है नेक्स्ट कह दी है कि हाउ मैनी ग्रैंड मदरस पे पूछ रहे हैं कि जानना चाहते हैं कि वे और कितना झूठ बोल सकता है टीचर कीप काउंट्स ऑफ मतलब वो और कितना झूठ बोल सकता है वो काउंट करना चाहते हैं तो वो पूछते हैं कि अब मुझे बता दो कि तुम्हारे पास और कितनी ग्रैंड मदर है बता दो अब सीरियसली बता दो अभी तक चार तो तुमने कह दी कि दे ऑल अवे राइट बट अब मुझे बता दो कि और कितनी ग्रैंड मदर्स हैं तो वो ब्लेंगिन शॉप से एक क्वेश्चन मार्क के रूप में पूछते हैं तो ग्रैंड मदर सर नान सर अब वो एक रिमेंबर करने की एक्टिंग करते हुए कहता है सार्कस्टिक वे में कि नहीं सर हो गया अब मेरी कोई ग्रैंड मदर नहीं है तो ही इज़ ट्राइंग टू रिमेंबर है ना और ये सब झूठ है राइट right? वो जितनी भी एक्सक्यूजेस दे रहा है दैट All are lie. और वो वे में क्या बोलता है नो सर अब हो गया अब मेरी कोई ग्रैंड मा नहीं है नेक्स्ट तो इस पर सर बोलते हैं यू सेड यू हैड फोर राइट तो वो वहां पर क्या करते हैं जो सर हैं वो ही इज ट्राइंग टू कैच राइट लर्नर या ही इज ट्राइंग टू कैच द स्टूडेंट वो ये चाहते हैं कि उस बच्चे को पकड़े किसी भी तरीके से उसकी झूठ को पकड़े और उसको बताएं कि नहीं तुम यहाँ बच्चा झूठ बोल रहे हो दिस इज रॉन्ग दिस वे इज़ नॉट करेक्ट जो तुम एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो दैट इज रॉन्ग एट ऑल वो चाह रहे हैं तो वो कहते हैं यू सेड यू हैड फोर्थ कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारी चार ग्रैंड मदर राइट right? सो so, इस पर स्टूडेंट बोलता है ऑल डेट सर सर सब मर गए तो वहाँ पे वो बचते हुए कहता है कि सर सब खत्म हो गई तो यहाँ पे जो ऑथर कहना चाहते हैं कि ही कांट गेट कॉट आउट वो वहाँ पे नहीं पकड़ा गया क्योंकि उसने बताया कि जो चार ग्रैंड मदर्स की वो बात कर रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं रही राइट ओके नेक्स्ट टाइम कहता है एंड वॉट अबाउट यस्टर डेज बिंग तो सर अगेन पूछते हैं तो फिर जो कल बीत गया उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे और वो जानते थे द टीचर वॉज एक्सपेक्टिंग अनदर लाई ही नोज दैट अगैन ही विल से अनदर लाई सो उस समय जो स्टूडेंट एवलिंगस सो वो क्या कहता है वॉट अबाउट योर स्टडीज सर वो क्वेश्चन करता है क्या हुआ था सर कल तो यहाँ पे बच्चा दिखाना चाह रहा है कि वो श्योर नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है है ना

एंड अनदर एक्सक्यूज़ वो रेडी हैं कि बच्चा फिर से कोई नया जो है एक्सक्यूज़ देगा और वो फिर से एक झूठ बोलेगा ओके नाउ दैट वाज द डेंटिस सर सो नाओ इज़ द एंट्री ऑफ अनदर एक्सक्यूज़ जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे विच वाज एक्सपेक्टेड बाय द टीचर वो कहता है दैट वाज द डेंटिस्ट सर वो क्या है सर वो जो डेंटिस्ट है ना वो और डेंटिस्ट कौन होते हैं दांतों के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं डेंटिस्ट कहते हैं ओके नाउ दिस टाइम अ डिफरेंट एक्सक्यूज जो कि कहीं से भी आ गया है अब देखते हैं कि आगे इस पोयम में डेंटिस्ट को लेकर के ब्लिंक इन सॉप क्या एक्सक्यूजेस देता है ओके नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि जो टीचर है वो पूछते हैं द डेंटिस्ट डाइट मतलब सार्कजे में पूछ रहे हैं कि पहले तुमने चार बार जो है अपनी ग्रैंड माँ को मरा हुआ बता दिया राइट नाउ दिस टाइम आर यू टेलिंग मी दैट जस्ट बिकॉज डेंटिस्ट डाइड यू हैव टू टेक लीव तो यहाँ पर जो है वो ब्लिकिन टॉप यानी स्टूडेंट सफाई देते हुए कहता है कि नो सर माई टीच सर नहीं सर मेरा दांत सर तो यहाँ पे वो जब टीचर की बात सुनता है तो वो ऑलमोस्ट सरप्राइज जाता है कि सर कैसे बोल रहे हैं कि सर किस तरीके की, की बात कर रहे हैं तो टीचर शुड नो व्हाट अ डेंटिस्ट इज़ फॉर वो ये चाहता है कि हर बार मरने वाली बात मैं कैसे कर सकता हूँ सर को पता होना चाहिए कि डेंटिस्ट किस चीज़ को लेकर बोलते हैं चलो कोई नहीं निपटाते ऐसा सोच करके वो आगे बढ़ते हैं और आगे की लाइन में वो क्लियर करता है ओके या फिर यू मिस द मैथ्स टेस्ट ब्लिंग इन सर कहते हैं अगैन तुमने अपना मैथ्स टेस्ट जो है मिस कर दिया क्योंकि तुम कल एब्सेंट थे और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट एंड यू वेर अगेन एबसेंट अब ये नया रीजन है दैट यू आर सेइंग जस्ट बिकॉज ऑफ डेंटिस्ट यू आर नॉट एबल टू कम वॉट हैपन नो वॉट हैपन विद दिस डेंटिस्ट तो यहाँ पे आई एड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर तो वो कहता है कि सर मैं इसको आगे देखूंगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो टेस्ट है वो मैं क्या कर लूँ उसको मैं अच्छे से क्लियर कर लूँ तो so, ये एक, एक प्रकार का सेटम है एक प्रकार का व्यंग है और एक प्रकार का चीज़ों को निपटाने का तरीका है या हम कह सकते हैं देर इज़ अ वे टू फाइंड आउट और टू टॉक विद द पीपल सो दैट दे गेट मेस्ड अप इन योर टॉक एंड दे गट कन्विंस्ड विद यू ठीक है कि वो आपसे कन्विंस हो जाए तो वो यही ट्राई कर रहा है कि किसी भी तरीके से सर जो है मुझसे कन्विंस्ड हो जाएं कि जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन आई वाज नॉट एबल टू कम एंड गिव द टेस्ट ठीक है ओके नाउ राइट लाइन अप फॉर पी तो यहाँ पे कि वो पूछते हैं कि चलो ठीक है अब बताओ पी का क्या है तो कान सर कान सर अब बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक एक्सक्यूज़ है जब टीचर ने कहा कि चलो अब लाइन लगाओ फिज़िकल एजुकेशन के लिए तो वो बोलता है सर आई एम नॉट एबल टू डू दैट जस्ट जस्ट अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक एक्सक्यूज है ओके नो सच वर्ड एज कांड ब्लैंक एक्सक्यूज़ जो टीचर है ही इज नॉट एट ऑल वॉन्टिंग टू टू लिसन excuse एक्सक्यूज और टू another excuse जब वो ब्लैंकन स्टॉप के मुंह से कांड से सुनता है तो वो मतलब वो सरप्राइज रहते हैं शॉक रहते हैं अगेन कांट सर और एक क्वेश्चन मार्क्स होता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम नाउ तो यहाँ पे जब उनके फेशियल एक्सप्रेशन को ब्लिंग सॉप समझ जाते हैं तो वो कहते हैं नो किड्स सर नो किड्स सर मतलब यहाँ पर उन क्लोथ्स की बात हो रही है जो फिजिकल एजुकेशन के लिए ज़रूरी है इसे हम स्पोर्ट्स पेयर भी कह सकते हैं तो उस समय उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास किट नहीं है तो अनदर क्वेश्चन जो है जो टीचर ने पूछा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सेट नाउ इन दिस लाइन अगेन टीचर इज़ एक्सपेक्टिंग अनदर एक्सक्यूज फ्राम द स्टूडेंट राइट बिकॉज इट शोज इन इट्स स्टोन राइट एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग एन अनदर लाई वो जान रहे हैं कि फिर से वो एक नया एक्सक्यूज एक नया झूठ बोलने वाला है तो यहाँ पे स्टूडेंट कहता है एट होम सर दिस इज़ अ एक्सक्यूज राइट व्हाट इज़ इट डूइंग एट होम जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर क्लास में कुछ बुक्स या कॉपीज दे जाना भूल जाते हैं ऐट द सेम टाइम क्या होता है ऐट द सेम टाइम होता ये है कि आपको टीचर जब पूछते हैं वेर इज़ योर नोट बुक वेयर इज बुक तो आप कहते हैं सर सॉरी आई फोगो टू ब्रिंग इट राइट तो वहाँ पर क्या कहते हैं हमेशा आपसे टीचर एक क्वेश्चन पूछता है वॉट इज इट डूइंग एट होम है ना तो सेम क्वेश्चन जो है वो ब्लिंग शॉप के टीचर ने पूछा और ही इज अगेन रेडी फॉर द अनदर एक्सक्यूज कि नया यहाँ पे एक्सक्यूज आने ही वाला है तो वहाँ पर ब्लेंकिन सॉप जो है वो कहते हैं नॉट आयरन सर सर वो प्रेस नहीं हुआ है आयरन राइट इट्स वीयर ओके नाउ एक्सक्यूज जस्ट रियली डज नॉट वॉन्ट टू डू इट यहाँ पे जो बात है वो बच्चा कहना चाहता है कि एक्चुअली आई रियली डोंट वॉन्ट टू डू इट कूडेंट यू आयरन इट यहाँ पे जो टीचर है ही इज़ रियली शॉक बाई लिसनिंग दैट की द लर्नर कूडेंट डू इट और द स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आयरन इज़ क्लोज हम आयर्न बोलते हैं राइट आयरन नहीं बोलते आयर्न हिस्स क्लोज ओके कान अगेन नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट बोलता है कान ओके यूजिंग दिस वर्ड दैट द टीचर जिस सेड ही शूडेंट सो जब ये बच्चे के मुंह से या स्टूडेंट के मुंह से कान सर सूंघता है टीचर तो वो बोलते हैं व्हाई नॉट क्यों नहीं क्योंकि यहाँ पर टीचर इज़ गेटिंग नाउ एंग्री ओके बैड हैंड सर वो यहाँ पे एन इधर एक्सक्यूज दे रहे हैं एंड प्रोबेबली इट्स अ लाइ एज वेल राइट ही इज टेलिंग सर कि सर अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ माय बैड हैंड आई एम नॉट एबल टू आयर्न माय क्लोथ और आयरन माई जो फिजिकल एजुकेशन की किट है और फिजिकल एजुकेशन की जो क्लोथ्स हैं आई एम नॉट एबल टू आई एन इट ओके हु यूजुअली डज़ इट अगेन, दिस क्वेश्चन इज आस्ड बाय द टीचर एंड ही वाज शॉक्ड बाय लिसनिंग दैट कि जो स्टूडेंट है वो खुद ये काम नहीं करते हैं बट देर इज समन एल्स हु हैव टू डू इट राइट तो वो कहते हैं जो ब्लिकन शॉप है ही सेज दैट ग्रैंड मास्टर मेरी ग्रैंड माँ करती थी मतलब जहाँ से पोम स्टार्ट हुई थी वहीं पे एंड शायद होने वाली है देखते रहिए वो कहते हैं ग्रैंड मास्टर बैक टू फर्स्ट एक्सक्यूज राइट ये ग्रैंड मास्टर इज जहाँ से पोम शुरू हुई थी वहीं पे हम फिर से वापस आ गए हैं नाउ टीचर इज आस्किंग अगैन वाई कूडेंट शी डू इट और शायद दिस टाइम या तो टीचर भूल गए हैं और हियर द टीचर वांट्स टू टेस्ट लर्नर्स लाइक यहाँ पर टेस्ट करना चाहते हैं कि वो क्या कहता है आंसर क्या देता है तो वो पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया तो वो कहता है डेड सर ठीक है यहाँ पे फिर पकड़ा नहीं गया और वो फिर वो पोएम की स्टार्टिंग में पहुंच गया कि उसने सेम एक्सक्यूज़ दिया जस्ट बिकॉज माई ग्रैंड डाइट माई physical education kit is not iron so theme of this poem is all about excuses will not always get you out of your responsibilities right kyunki jo hum excuses dete hain ये एक्सक्यूज़ेस हमको हमारे जो काम को पूरा करने में हमें हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने में हमारी हेल्प नहीं कर सकते वो कहीं ना कहीं ये जो एक्सक्यूज़ेस हैं हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पे करने से दूर कर दें आइए देखते हैं कि रीज़न क्या कर सकते हैं टू शो दैट एक्सक्यूज़ विल नॉट ब्रिंग यू सो फार आप जब भी इन एक्सक्यूजेस को यूज़ करेंगे क्यों आप ए, क्यों करते हैं रीज़न बिहाइंड टू यूज़ एक्सक्यूज जस्ट टू गो फार फ्रॉम योर रिस्पांसिबिलिटीज कि आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे दूर भाग सकें इसीलिए आप क्या करते हैं इन एक्सक्यूजिस का यूज़ करते हैं सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम लेट्स गो थ्रू द वर्ड मीनिंग्स एंड एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस पोम ओके now word meaning right the word meanings are on your screen pe means physical education kit a set of articles or equipments needed for pe ठीक है एक ऐसा सेट ऑफ आर्टिकल्स जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स या सेट रहते हैं जो कि किसी भी फिजिकल एजुकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं बैड हैंड बैड हैंड को हम समझ सकते हैं किसी तरह का इंजरी हुआ होगा राइट right? तो वेन योर हैंड पेंस ड्यू टू वुंड और इंजरी जब भी भी किसी रीज़न uh, से आपके हाथ में दर्द हो जिस बिकॉज ऑफ योर किसी वूड मतलब घाव होता है और इंजरी मतलब चोट होती है तो अगर इन रीजन से आपके हाथ में दर्द हो तो आप उसे कहते हैं बैड हैंड कह सकते हैं राइट नाउ आयरन आयरन जब हम नाउन के तरह लेते हैं आयरन को हम नाउन के फॉर्म में लेंगे तब उसे हम आयरन कहेंगे क्योंकि आयरन क्या होगा अ अस्ट्रॉन्ग हार्ड मैग्नेटिक सिल्वरी ग्रे मेटल हम इसको एज ए मेटल लेंगे तब उसे हम आयरन कहेंगे राइट अब लेकिन हम जब वर्ब के थ्रू लेंगे आयरन हम उसे कहेंगे आयन राइट कैसे आयरन करना मतलब क्या होता है टू स्ट्रेटन द स्क्रीज ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ आप जब भी अपने कपड़ों को आयरन करते हैं या उनको उनकी क्रीज में लाते हैं आप कहते हैं प्रेस करना है यस yes, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं आयर्न करना राइट नाउ एक्सक्यूज एक्सक्यूज को हम जब नाउन के फॉर्म में लेते हैं तो इट इज़ अ रीज़न गिवन टू एक्सप्लेन योर रॉन्ग डूइंग ये एक तरीके का रीज़न होता है जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं या अपनी कुछ बातों को छुपाने के लिए हम एक्सक्यूजेस देते हैं राइट और जब एक्सक्यूज़ को हम वर्ब के फॉर्म में लेंगे तो ये टू पार्डन और फॉर गिव होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर किसी उनको हमसे चोट लग गई दूसरा तो हम क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी है ना या हमको किसी को कहना है कि प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ उस समय भी हम कहते हैं कि एक्सक्यूज मी और उसके बाद हम फिर चले जाते हैं तो यहाँ एक्सक्यूज जो है वर्ब की तरह भी यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है आई एम रियली सॉरी विल यू गिव सम वे सो दैट आई कैन मूव ऑन राइट तो पार्डन और फॉर गीव वाली बात आती है जब ये वर्ब की तरह यूज़ होता है सो दिस इज द वर्ड मीनिंग नाउ

बेकिंग सॉप हैड फोर ग्रैंड मदर्स ऑल ऑफ देम वेयर डेड ठीक है बेकिंग सॉप जो है उनकी चार ग्रैंड मदर्स थी एंड ऑल ऑफ देम वेयर डेड तो फॉल्स किसी की भी चार मदर ग्रैंड मदर नहीं होती राइट इट वॉज जस्ट एंड एक्सक्यूज राइट इसी लिए यहाँ पे एक कॉमेंट क्या है फॉल्स है नेक्स्ट है बेकि सॉफ्स हैंड वॉज एकिंग एंड दैट इज़ वाई ही डिड नॉट आई अर्न द यूनिफॉर्म ट्रू ये बात सही हो सकती है कि भाई उसके हाथ में दर्द हो सकता है इसलिए वो अपने जो यूनिफॉर्म है या हम कह सकते हैं पी के है एजुकेशन किट है उसको आयन नहीं कर पाया था राइट नेक्स्ट बेकिंग सॉफ वॉज़ अफ्रेड ऑफ द मैथ टेस्ट सो ही मेड एन एक्सक्यूज बिल्कुल सही बात है जस्ट बिकॉज ही वॉज़ अफ्रेड इसलिए उसने अपनी ग्रैंड का डेथ होने का एक्सक्यूज़ दिया था उसके बाद उसने किस चीज़ का एक्सक्यूज़ दिया था डेंटिस्ट का एक्सक्यूज़ दिया था और उसके बाद उसने किसका एक्सक्यूज दिया था अगेन उसकी फिजिकल एजुकेशन की जो किट है वो रेडी नहीं थी उसका ओके नाउ नेक्स्ट वन इज बेकिस सॉप डिड नॉट लाइक फ़िजिकल एजुकेशन एंड दैट इज़ वाई ही वॉज ऑलवेज लेट यस ऑफकोर्स ही डिड नॉट लाइक The physical education at all. Just because of it, he was always late or he used to be absent on those days. Right. Okay. The teacher believed that beckinsop was telling the truth about his grandmother. No bilkul nae Bo Jante the ki beckinsop was giving an excuse or he was lying. So this statement is false at all. ये पूरी तरीके से फॉल्स आप यहाँ पर लिखेंगे नाउ कमिंग टू वर्ड द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट चलिए रीड करते हैं अप्रोप्रिएट वर्ड को हम चुनकर उसमें लिखेंगे राइट right? पहला जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके का ओके एज बेकि वॉकड इन टू क्लास द टीचर सेड Late again, Bickensop. The use of the word again shows that the teacher was surprised, annoyed, disappointed with Bickensop. तो यहाँ पे जो sentence है, जैसे ही Bickensop class के अंदर आते हैं, teacher उनसे पूछते हैं, Bickensop अब फिर से late हो गए, तो यहाँ पे again जो word हुआ है, ये again क्या show करता है? कि जो टीचर है वो बिकिन शॉप से सरप्राइज है सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित राइट एनॉयड है चिड़े हुए हैं डिसपॉइंटेड हैं मतलब परेशान है तो यहाँ पे एनॉयड हैं वो उससे परेशान है पूरी तरह से डिसपॉइंट होना मतलब दुखी हो गए हैं एकदम राइट right? तो यहाँ पे वो एनॉयड है मतलब बिकिन शॉप से वो बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो रेगुलरली क्लास में नहीं आता है एंड ई ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस for the reason why he are not coming right okay next statement bickensop said that his grandmother was seriously dead when his teacher asked him why he was too late this means that he wanted the teacher to पनिश बिलीव एक्सक्यूज़ हिम, ओके यहाँ पे स्टेटमेंट कहना चाहता है जब बेकिंग बिकिन्प ने ये बताया कि उसकी दादी माँ सच में मर गई हैं सच में वो झूठ नहीं कह रहा ऐसा वो कहना चाह रहा था तो वो क्या चाहता था कि वो टीचर जो है वो उसके लेट आने पर वो क्या करे उसको उसकी बात पर भरोसा करे कि सच में इसकी दादी मर गई है तो पनिशमेंट नहीं करना चाहिए या उसको पनिश करें या उसके एक्सक्यूज़ को समझें क्या करें तो यहाँ पर जो वो चाहता था बेकिसप ये चाहता था कि टीचर बिलीव करें उस पर क्या करें कि उसके इस एक्सक्यूज़ पर वो क्या करें बिलीव करें नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है द टीचर रिमार्क देट मेक्स फोर ग्रैंड मदर हिस्टर्म उन्होंने एक रिमार्क किया है ना उसको बताया कि तुमने इस बार इस टर्म में चार ग्रैंड मदर के बारे में बताया है दिस मीन्स द बेकिन सॉप हैड फोर ग्रैंड मदरस कि उसकी चार ग्रैंड मार है या फिर हैड बिन लेट फोर टाइम्स कि यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेकिन सॉप जो है वो चार बार या चार दिन लेट हो चुका है या वो हैड फोर एक्सक्यूजेज उसके पास चार एक्सक्यूजेज हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो बेकिंग सॉप हैड बिन लेट फोर टाइम्स वो यहाँ पर चार बार लेट हो चुके हैं ओके नेक्स्ट वन बेकिंग सॉप कूडन आयरन हे शर्ट बिकॉज ही हैड अ बैड हैंड बेकिंग सॉप अपने शर्ट को आयरन नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी उनके हाथ में कुछ इंजरी हो गई थी राइट बैड हैंड मीन्स यस मैंने आपको बता दिया तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है ही वॉज इंजर्ड ही आयन बैडली और ही हैड डर्टी हैंड सो इसका मतलब होता है ही वॉज इंजर्ड तो सिंपल है कि उनके हाथ में चोट लग गई है ये आयरन बैडली या फिर आयन बैडली का मतलब होता है कि वो आयन का जो काम है वो अच्छे से नहीं करते वो बहुत बुरी तरीके से करते हैं और ही हैड डर्टी हैंड्स उनके हाथ बहुत गंदे हैं तो सही वाला जो एक्सक्यूज है वो ही वॉज इंजर्ड करेक्ट आंसर जो है हम कह सकते हैं ही वॉज इंजर्ड राइट नाउ बिंकिस ऑफ टीचर आज एम वॉट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम दिस मीन्स दैट ही बिलीव दैट बिंकिस ऑफ वॉस टेलिंग हिम द ट्रूथ फूलिंग हेम डाइवर्टिंग अटेंशन जब बेंगिन सॉप के टीचर ने उनसे पूछा कि इस बार तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है इसका मतलब क्या है कि बेंगिन सॉप उनको सच बताएगा या फूल बनाएगा मतलब बुद्धू बनाएगा या उनके उनके अटेंशन को डाइवर्ट करेगा गिविंग सम एक्सक्यूजेस तो अगेन उनका मतलब यही था कि बेंगिन सॉप फिर से उनको क्या करेगा फूल बनाने की कोशिश करेगा राइट सो इन दिस वे वी आर कम्प्लीटेड एंड इन अनदर क्वेश्चन वी विल सी दैट दर इज अ क्वेश्चन गिवेन ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज इन द टेबल गिवेन बिलो राइट द एक्सक्यूज दैट बेकिन सॉप गिव एंड द वर्क दैट ही वॉन्ट्स टू अवॉइड ऑल्सो थिंक वाई ही कुड बी अवॉइडिंग द वर्क ओके तो फर्स्ट आपको लेफ्ट हैंड साइड के जो टेबल में वहाँ पे लिखना है कि एक्सक्यूज गिवेन बाई बेकिंग सॉफ और वाई ही इज़ गिविंग द एक्सक्यूज़ तो पहला एक्सक्यूज़ आप लिख सकते हैं डेथ ऑफ ग्रैंड मदर राइट किस लिए ये कहा गया था टू अवॉइड फिजिकल एजुकेशन के लिए राइट right? फिर है डेंटिस्ट विजिट उन्होंने बताया किस लिए कि टू अवॉइड मैथ्स टेस्ट उसके बाद उन्होंने बताया फॉग द केट टू अवॉइड अगेन फिजिकल एजुकेशन और फिर उन्होंने बताया बैड हैंड किस लिए टू अवॉइड आयनिंग द किट क्योंकि उन्होंने अपने जो फिज़िकल एजुकेशन की यूनिफॉर्म थी उसको आयन नहीं किया था तो दिज वॉज एक्सक्यूज और दिस वॉज कि उन्होंने क्यों एक्सक्यूज बनाए थे वो ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ योर टेक्स्ट बुक दिस इज फाइंड अदर वर्ड्स विद विच यू कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए सेम मीनिंग के वर्ड्स ढूँढने हैं या हम कह सकते हैं सिनानिम्स ढूँढने हैं राइट फर्स्ट सेंटेंस इज़ नॉट माई फॉल्ट सर तो फॉल्ट को हम क्या कह सकते हैं मिस्टेक कह सकते हैं तो नॉट माई मिस्टेक सर राइट right. उसके बाद शी इज सीरियसली डेड ऑल राइट सर तो यहाँ पे सर शी इज रियली शी इज एक्चुअली डेड है ना तो हम सीरियसली को रियली या एक्चुअली से रिप्लेस कर सकते हैं नाउ थर्ड आई नो इट इज वेरी अपसेटिंग सर अपसेटिंग सेटिंग मीन्स डिसअपॉइंटिंग राइट तो यहाँ पे आई नो इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग सर नाउ आई बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर सो आई बीन Waiting for it, sir, or I had been excited about it, sir. And the last one bad hand, sir, injured, sir. Right? Okay. So, in this way, we have completed this poem. I hope you like the video and I hope that you understand the lesson and the poem. Okay. Uh, so, we will meet in our next video. Till then, bye and take care.